नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो सभी का स्वागत है। हम हर बात रहा इस बार भी एक नया लेटेस्ट वीडियो सभी के सामने लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम क्रिकेट कार्ड का वीडियो सभी को दिखाने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आप सभी को मिलेंगी। फिलहाल मेरे बगल में देख सकते हैं ये राजा और आइए लास्ट एक बार चलते हैं। सामने देख सकते हैं एक रास्ता खिरकिया घाट के लिए जाता है, एक घाट के यानी राजघाट के ब्रिज के लिए जाता है, जहां से आप सभी पड़ाव और मुगलसराय के लिए जा सकते हैं और नीचे उतर कर काशी रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। सामने देख सकते हैं नमो घाट गोवर्धन धाम पर आने वाले सभी भाइयों एवं बहनों का गोवर्धन पूजा समिति हार्दिक स्वागत करता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से हम चलेंगे खिरकिया घाट की तरफ। आइए चलते हैं। उससे पहले ये लाल खां का रोजा फ्रेंड देख सकते हैं, लाल खां का रोजा है जो रामनगर के राजा के एक मुलाजिम थे, उन्हीं का यहाँ पे कब्रगाह बनाया गया है जो काफ़ी बेटर है, काफ़ी शांति प्रतीत होता है। 20 रुपये इसमें एंट्री फीस है। देख सकते हैं कैसा हरा भरा बनाया गया इसे। तो ये रास्ता सीधे आप सभी को नमो घाट यानी खिरकिया घाट पर ले जाएगा। यहाँ पर ढेर सारे बदलाव हुए हैं जो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। आइए चलते हैं। यहीं पे बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है, देख सकते हैं। और इधर ये रास्ता और ढेर सारी दुकानें भी खुल गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, दुकानें खुल चुकी हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब बदलाव होते जा रहे हैं यहाँ पे। अभी ये सब जो चीज़ें दिखाई दे रही है आप सभी को, ये G20 के लेकर सजाया गया था पूरे बनारस में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर CNG स्टेशन बनाया गया फ्रेंड्स, राजघाट का ब्रिज। अभी CNG का दाम 83 रुपये 67 पैसे हैं। गेट से हम पार निकल चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ पहले पैसा लगता था फ्रेंड्स, 20 रुपये पर पर्सन, जिसे बंद कर दिया गया है अब। यहाँ पर रेस्टोरेंट देख सकते हैं खुला हुआ है। दीवारों पे सीमेंट बालू की मदद से देख सकते हैं अच्छी अच्छी आकृतियाँ उकरी गई हैं। तो ये देख सकते हैं खिरकिया घाट का मनमोहक दृश्य। अभी धूप है तो काफ़ी कम भीड़ लगा हुआ है। कल यानी संडे को भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा। शाम के हो यहाँ पे शाम के समय ट्रेन वगैरह सब कुछ चलती हैं। राजघाट का ब्रिज, गंगा जी का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। क्या नया बना हुआ है सामने देख सकते हैं, ये पेड़ पौधों के लिए जगह बनाई गई है। और ये सब जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब नया बना हुआ फ्रेंड्स। अभी देख सकते हैं बहुत से पत्थर भी बनने बाकी हैं यानी लगने बाकी हैं, पूरा एरिया नया है। भगवान कृष्ण से प्रेरित ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं, देख सकते हैं। ये घाट गोवर्धन घाट है और भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है बगल में, इसीलिए उन्हीं के दीवारों पे भगवान श्री कृष्ण का ही ये सब दृश्य बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पे। और ये सब जो चीज़ें हैं सभी नई हैं, देख सकते हैं सब कुछ नया बनाया गया है टाइल्स मार्बल के साथ। और इधर की जो चीज़ें हैं वो फेज़ 2 का काम हो रहा है जो कि गोवर्धन घाट के नाम से जाना जाएगा। तो कितना बदलाव हुआ है, कितनी चीज़ें बदली हैं मेरे सामने हैं। और बारिश होने के कारण यहाँ पर पानी भी भर गया है।
सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स हठेले हनुमान जी का ये मंदिर, और ये सब नज़ारा देख सकते हैं। तो सामान लाए गए हैं जो इस घाट में लगाए जाएंगे, और यहाँ पे सीढ़ियों का काम जारी है। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं काम चल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नए नए घाट बनाया जा रहा है, नई नई चीज़ें यहाँ पे लगाई जा रही है, लाइट लग चुके हैं देख सकते हैं। अब बहुत ही कम ऐसे वर्क हैं जो बचे हुए हैं, सभी के सामने हैं। इधर वायर फैला हुआ है, पूरा वायर का ही काम है, बहुत सारा काम है। और ये क्या चीज़ है, देख सकते हैं ये कुछ नए ढंग से बनाया जा रहा है। ये पोखरा टाइप है जिसमें मूर्ति विसर्जन किया जाएगा गंगा जी में न प्रवाहित करके। सब देख सकते हैं ईटा पत्थर सब कुछ लगाया जा रहा है। तालाब है ये, कितना बेहतरीन घाट इसे भी बनाया जा रहा है देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ लगने वाला है इधर, ऐसे ही घाट फेल होने वाला फ्रेंड्स। गाय देख सकते हैं कि कितना वर्क हुआ है, ये मकान बन रहा है यानी शौचालय और टॉयलेट वगैरह, और वहाँ पे देख सकते हैं क्या बना जा रहा है। आप सभी को जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये टंकी लग रहा है जो कि आरओ वाला होगा और पानी काफ़ी अच्छा होगा जो सभी को बीमार नहीं करेगा। और ये बगल में नाला है, और यहीं पर देख सकते हैं बैरिकेड टाइप लगाया जा रहा है, किधर नहीं जाना है यानी रोक लगाने के लिए। काफ़ी कीचड़ है इधर, जाने योग्य नहीं है। देख सकते हैं इधर का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है फ्रेंड्स। आइए आगे चल के दिखाते हैं आप सभी को। गजब का काम हो रहा देख सकते हैं यहाँ पे। बन जाने के बाद काफ़ी चीज़ें हम बदल जाएंगे। ट्रांसफार्मर के साथ देख सकते हैं घर बना हुआ है यहाँ पे, ऊपर लाइट वगैरह सब कुछ लगना है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वाटर टैक्सी जो कि 15 जुलाई को लॉन्च किया गया था सीएम योगी द्वारा। और इसी में आप सभी को जाने के लिए यहाँ पे किराया देना पड़ेगा, यानी अगर आप सभी खिरकिया घाट से बैठते हैं तो खिरकिया घाट से आपको 80 घाट 375 रुपये, दशाश्वमेध घाएंगे तो 175 रुपये, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। इतना मतलब किराया इसका तय किया गया है जो कि लगेगा। देख सकते हैं सभी जितने भी वाटर टैक्सी हैं उन सभी वाटर टैक्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंबल लगा है और पूरा गेरुआ रंग से रंगा हुआ है, साथ ही कमल का फूल भी यानी निशान भी डाला गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लोटिंग स्टेशन की तरह बनाया गया है, यहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए भी। तो फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, देख सकते हैं इधर भी बहुत सारा काम हुआ है और इधर का जो एरिया है वो भी देख सकते हैं, ये पूरा भर जाएगा। अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है खिरकिया घाट, लेकिन आने वाले दिनों में फ्रेंड्स सब कुछ भर ही जाएगा। इधर का देख सकते हैं क्या नक्शा है, क्या सीन है इधर का। तो सभी वीडियो में आप सभी को मैं दिखा पा रहा हूँ, देख सकते हैं जब ये बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा स्पेस हो जाएगा। और आगे मैं नहीं जा सका, आगे वहाँ पे हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। सभी मजदूर और मालिक ठेकेदार सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, और लाइटें स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं। अभी बहुत सा काम बाकी है, देख सकते हैं यहाँ पे डमरू बिछा दिया गया है, पहले नीचे ढलाई हो रही है उसके ऊपर डमरू बिछाया जा रहा है, उसके ऊपर फ्रेंड्स पत्थर लगाया जा रहे हैं, देख सकते हैं कई चीज़ें लगाई जा रही हैं। अभी ये सब जो हड्डी दिख रहा है इसके ऊपर चमड़ा लगाना बाकी है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके ऊपर ऐसे बना जाता है। तो देख सकते हैं कितना काम बाकी है, सभी डमरू आ चुका है। तो प्रधानमंत्री ने बनारस का नक्शा ही एकदम से चेंज कर दिया है, देख सकते हैं। और आप सभी को एक चीज़ और बता दें, 500 इसमें कछुए छोड़े गए थे और इस समय आप सभी को बता दें कि 1000 कछुए छोड़े जाएंगे दशाश्वमेध घाट से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे 100 बह भी जाते हैं, यानी कोई डूब जाता है या फिर कुछ डाला जाता है तो काफ़ी गंदगी फैलती है, जिसकी वजह से अगर कछुए रहेंगे तो उसे खा जाते हैं फ्रेंड्स। उसमें मछलियाँ भी छोड़ी गई हैं कई सारी, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, देख सकते हैं कितना यहाँ पे बदलाव हो चुका है। ये देख सकते हैं ढेर सारे पत्थर, यहाँ से घाट का नज़ारा देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, प्लीज़ सपोर्ट करें, थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, शर्मा देव के सपोर्ट।